अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुमेहराज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं एक स्पेशल किस्म की निहारी, जिसको आप घर में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 300 ग्राम्स मटन लिया है, और ये मटन स्पेसिफिक पार्ट का है, जिसमें आप नली का गोश्त कहते हैं इसको, और ये रान में से आपको मिल जाएगा। ये 300 ग्राम्स लिया है, और उसके लिए आपको ऑयल जो है वो एक कुकर में, प्रेशर कुकर में आपको उसको बनाना है। तो ऑयल में मैंने ये मटन ऐड कर दिया है, और इसके साथ साथ इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 काली इलायचियाँ ली हैं, और साथ में सिनेमन स्टिक ली है, दालचीनी का टुकड़ा। मीनवाइल आपको दूसरे स्टोव पे प्याज को गोल्डन करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट करना है लाइट सा, और उसको दही के साथ आपको शेक करके साइड पे करना है। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, 1.5 टेबल स्पून। साथ साथ नमक है, वो आप हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पे हल्दी ऐड कर रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है ये, आप हल्दी ऐड कीजिए। उसके साथ साथ आपको लाल मिर्च ऐड करनी है, क्वांटिटीज़ आप देख सकते हैं। और इसके साथ जो है वो मैं निहारी मसाला यूज़ करूँगी, और वो मैं बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी। लोग जो है वो यूजुअली पूरा ही पैकेट ऐड कर देते हैं, बहुत तेज़ मसाले होते हैं, सो जस्ट 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें ऐड किया है, ठीक है। इसके साथ साथ आप घर से ही जायफल और जलवित्री जो मसाले होते हैं सही देगी, वो मैंने पीस के रखे हुए हैं, ग्राइंड करके रखे हुए हैं, तो आप थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी उसकी वो ऐड कर दीजिए। आप क्वांटिटी देख सकते हैं, बहुत ही माइनर क्वांटिटी में मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, ठीक है जी। और ये सारा कुछ जो है मसाले डाल के आपको इसे अच्छे से भूनना है, इसको बहुत अच्छे से हम भूनेंगे, और साथ ही हम जो हमने दही और प्याज का पेस्ट बनाया है वो मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको ऐड करके जैसे ही हम भूनेंगे तो इसका जो ऑयल है सारा वो ऊपर आ जाएगा। अब आपने बहुत ही एहतियात के साथ ये ऑयल जो है इसका जो हाफ क्वांटिटी है वो आप निकाल लीजिए। ये देखिए ये ऑयल सारा ऊपर आ गया है, और जो रेड कलर आपको नज़र आ रहा है ये लाल कश्मीरी मिर्च का रंग है, ठीक है जी। तो ये आप कोई भी इस तरह से स्पून ले लीजिए डीप वाला, और आप ऑयल जो है वो निकाल लीजिए, किसी भी डीप बाउल में आप ऑयल को सेपरेट कीजिए। ये आप देख सकते हैं निहारी के ऊपर से मैंने ये सारा ऑयल जो है वो निकाल लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक, मैंने इतना ही पानी डाला है जिसमें मेरा मटन, मुझे पता है कि ये गल जाएगा, डीप हो जाए मटन सारा उसमें, ठीक है। और आपने इसको फर्स्ट विसल के बाद 10 मिनट्स देने हैं। ये देखें ये गल गया है गोश्त, और बहुत अच्छे से बिल्कुल टेंडर भी हो गया है, और आप इसकी हड्डी में से जो गूदा निकलता है वो आपको भी सेपरेट करना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे से गल गया। अब आप इसे जो है वो थिक करेंगे, और उसके लिए यहाँ पे मैंने आटा लिया है, आप मकई का आटा भी ले सकते हैं, 2 टेबल स्पून्स के हिसाब से लिया है। आप इसको पतला सा इसका बैटर बनाइए, और इसको हम इसमें जो है अपनी निहारी में ऐड करेंगे। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते जाइए जिससे ये गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब हम जो है ये प्रेशर कुकर से इसको कन्वर्ट करेंगे अपनी कढ़ाई के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं गाढ़ा होने के बाद इसकी फॉर्म कैसी हो गई है, मटन की शक्ल कैसी हो गई है, बिल्कुल अच्छे से ये गल चुका है, ठीक है जी। और इसमें फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से जो है वो आ चुका है, और अब जो ऑयल है जो हमने निकाला था सेपरेट किया था वो आप ऊपर से ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा पकाएंगे, और आपकी निहारी जो है वो बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। और इसके ऊपर जो आपको ऐड करना है वो बिल्कुल एक रवायती मज़े के लिए आपको हरी मिर्च, लेमन, पुदीना, धनिया, और जो है वो जिंजर जो है वो मैंने उसके थिन स्लाइसेस काटे हैं, और ये इसकी जनाब फाइनल लुक है। आप तंदूरी रोटी के साथ सर्व कीजिए, रोटनी नान के साथ खाइए, जैसे आपको अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।